चैनल कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आज फिर ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि आज अदरा मना रहे हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं अपने घर में कैसे मनाते हैं हम लोग। मेरे तो यहाँ तो मतलब मेरे ससुराल में ऐसा नियम है कि अदरा नक्षत्र के चढ़ते ही पहला मंगलवार वहाँ के जो मतलब ग्रामीण देवता हैं बालक बाबा, उनका पूजा होता है। दूसरे मंगलवार को कुल देवी का पूजा होता है, तो दूसरे मंगलवार को ही अदरा नक्षत्र में हम लोग बनाते हैं मतलब खीर अपने अपने घर में। तो आज हम भी बनाए हैं और मेरा खीर बन चुक, ये देखिए खीर बना के कन्हैया जी को भोग लगा दिए हैं। तो लेट बहुत हो गया क्योंकि नहा के बनाना था, सब्जी और पूड़ी तो हम बना लिए, बाकी भूख भी लग गया था। रिद्धि के पापा को, दादी को, तीन लोगों को खिला के फिर हम नहा के आए, तो जल्दी जल्दी खीर बनाए, खुद का भी खाना निकाले हैं। अभी आज के दिन मिलते हैं ना, तो हम आलू का सब्जी प्लेन आलू का ही बनाए हैं, खीर बनाए, इसमें गुड़ डालें इसलिए थोड़ा मतलब येल्लो दिख रहा है, थोड़ा पीला पीला टाइप है, गुड़ का ही मीठा डालें। बाकी कटहल का अचार लिए हैं, पूड़ी लिए हैं और आम लिए हैं, आम के साथ ही खीर खाया जाता है अदरा में, तो वो चीज़ हम कर रहे हैं। बाकी रिद्धि सिद्धि मेरी कहाँ है दिखाते हैं क्योंकि लेट काफ़ी हो चुका है, ये लोग शायद सो गई होगी। मेरे मायके में तो ब्राह्मण को खिलाया जाता है, ब्राह्मण भोजन करके फिर मनाया जाता है अदरा। तो फिर सिद्धू रानी सो रही है दादी के पास, मंगू है ये, रीति रानी यहाँ सोई है दादी के पास, ये सो चुकी है। सिद्धि के साथ तो एक ट्विस्ट है, वो बताएंगे हम आपको खाना खाने के बाद। तो गाइस मेरा तो नाश्ता हो गया, 12 बज गया, 12:30, लेकिन आज बारिश भी हुआ है सुबह से, दिन ढका ढका है, कपड़ा लेकिन फिर भी धूप पे डाल मतलब बाहर ही डाल दिए हैं, सूखे हवा तो लगेगा क्योंकि अभी बारिश झीसी गिर नहीं रहा है। तो नाश्ता करके बर्तन वर्तन धोए और चले अब दिखाते हैं आप लोगों को सिद्धि कैसा है। जबकि सिद्धि को मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग ध्यान देते हैं, दोनों बच्चों पे ध्यान देते हैं, ये लोग आज तक कभी गिरी पड़ी नहीं है, हमेशा ही ध्यान देते हैं। लेकिन उसके बाद भी कल उसके साथ क्या हुआ दिखाते हैं। ये देखिए कल शाम में सिद्धि गई थी खेलने नीचे, और खेलते खेलते एक जगह थोड़ा ऊंचाई पर से कूदा कूदी, सब बच्चा कर रहा था उसी में ये भी कूद गई और रोड पे गिर गई। और देखिए उसको कितना ज़्यादा चोट आया है सर में, ये वाला बाल। तो हम लोग तो तुरंत उसको दवाई दिलवा दिए होम्योपैथी का, आज सुबह में भी इससे पानी निकला है जो कि पोछने नहीं दे रही, अब सोएगी तो भी सोई हुई है, थोड़ा देर में इसको पोछ देंगे भिंगा के कपड़ा धीरे धीरे। वैसे इसके डॉक्टर मना भी किए थे, इसको दिखा दिए डॉक्टर से, दवाई भी दिला दिए हैं, तो बोल रहे थे देखिए कैसे कर रही है, मंगू भी है ना, ये पापा के साथ ही गई थी नीचे खेलने, उसी समय गिर गई, देखिए कैसे अपना बॉटल खोज रही है, उसी समय गिर गई, गिर के आई घर, हम तो बहुत डर गए, हम तो रोने लग गए, इतना खून, बहुत खून निकल रहा था उसमें से, ये जो आईब्रो के पास कटा है ना इसमें से ही ज़्यादा खून निकल रहा था। तो फिर यही हमको चुप, ये खुद नहीं रो रही थी, इतना चुप होके आई है ऊपर, तो हमको लगा कि ये बेहोश है, इसके पापा ऐसे चिपकाए हुए थे और ऐसे रुमाल से उसका सर दबाए थे और ये एकदम शांत थी, हमको लगा ये बेहोश हो गई है, बेहोश हो गई, हम भी रोने लग गए देख के। तो फिर यही सिद्धि हमको बोल रही कि मम्मा मम्मा ऐसे मत रो मत रो। तो हम फिर इसको लिए पास गोद में, चुप चुप कर आए, पूछे चुप थी, ये रो नहीं रही थी, बस दिखा रही थी कि मम्मा देखो क्या हो गया, और उसमें खून देखे ये भी डर गई थी, रिद्धि पूरा शांत हो गई थी एकदम से, उसको देखे दोनों ही नीचे गए थे। अब इसके पापा को दादी से बहुत डांट लगा, पर हम भी बोले थोड़ा सा, पर ये बोल रहे हैं वही कि मतलब इतना दिन से तो हम मतलब ले जा रहे थे, कभी तो ऐसा नहीं हुआ, अब कल क्या बोलें, क्या संजोग था, हो गया इस तरह का, चोट लग गया इसको इतना ज़्यादा, और सच में यही बात थी है कि क्या पता क्यों लग गया इतना ज़्यादा। देख रहे हैं इन लोगों को अब नीचे में डाल दिया क्योंकि बिस्तर पे ऊपर सूसू सू कर दे गया, ये वाला है नीचे में, यहीं पे हम भी लेटेंगे तो गिरने उरने का भी डर नहीं लगेगा, हम इतना बचाते हैं इन लोगों को कि गिरे नहीं, चोट नहीं लगे, नहीं लगे, पर क्या ही बोले, कल क्या संजोग था जो कि उसको इतना चोट लग गया। जबकि कूद फान ज़्यादा ये करती है रिद्धि, बहुत देखते हैं हम इन लोगों को, घर में भी कभी नहीं गिरने पड़ने देते हैं, बोलते भी अम्मा को कि देखिए अम्मा ये लोग 2 साल 2.5 साल की हो गई, लेकिन कभी भी ज़्यादा गिरी उरी नहीं है, चोट चाट हम नहीं लगने देते, हम इतना देखते हैं इन लोगों को।
कल मेरा ही नजर लग गया कि क्या गिर गई बच्चा। इतनी समझदार है ना ये, इसको सिखा दिए हैं कि मतलब उस तरफ सर करके मत सोया करो बेटा, तो उस तरफ नहीं सोती, इस करवट ही पूरे रात सोई है ये एक तरफ करके। अभी हम भी थोड़ा देर लेट रहेंगे इन लोगों के साथ, ये लोग सो रही है, तो फिर उठेंगे तो देखते हैं खाना का नहीं है क्या होगा। सब लोग पूरी सब्जी खाए ही हैं, खीर है, फिर खाएंगे तो प्लेन पूड़ी बना देंगे। अभी वाला मैं तो थोड़ा नमक और अजवाइन डाल देते हैं, क्योंकि रिद्धि सिद्धि लोग प्लेन पूड़ी ही खाती है, सब्जी वब्जी तो खाती नहीं है, और पूड़ी थोड़ा ऑयल ऑयली हो जाएगा, इसलिए उसमें हम जाना अजवाइन थोड़ा ज़्यादा करके डाल के आटा में, और फिर बनाते हैं कि पचा उचा भी देगा अच्छे से। तो वही है, बाकी जिसको खाना होगा खीर रोटी खाएंगे, सब्जी भी है, या फिर आम चूड़ा खाएंगे, जो मन होगा आप देखा जाएगा। अब हम तो चले थोड़ा रेस्ट लेने, अब 3 बजे के बाद देखा जाएगा। ये लोग तो खा लेगी आम भी, ऐसे भी खा लिया आम भी खा लेगी। तो अब मिलते हैं फिर, सो के उठते हैं थोड़ा उसके बाद। सोएंगे क्या, सोने के लिए जैसे लेटे तो सिद्धि पापा को देख लिया, अब वो रोने लग गई कि पापा जाना है, उसका नींद अभी है, सोएगी अभी ये, इसको सुलाएंगे तभी हम भी सो पाएंगे थोड़ा देर। तो अब जब इसका आँख खुला तो देख ली पापा को, पापा को देखी तो इसको थोड़ा सा घूमना होगा गोदी में, तो घुमा देंगे 10 मिनट। दादी को तो ठंडा लग रहा है, बारिश जो हुआ है, बोल रही थी पंखा बंद कर दूँ, बोले नहीं पंखा उतना गर्मी नहीं है, मच्छर उच्छर मक्खी उक्खी भी आ जाता है, बारिश हुआ है ना बाहर इसलिए। सिद्धू रानी क्या खाई तुम? मैडम जी मैंगो खा रही है, पापा इसको काट के दिए हैं छोटा छोटा पीस, तो मुंह में ले रही। अभी मुंह में है क्या? मुंह में है, जल्दी खा लो, दिखा दो वीडियो में कैसे खाती है, और देखो दिखा दो। मुंह का खत्म होगा तब ना खाएगी ये, और गाड़ी वाला आया, हो तो ना बूबू वाला आया, और हेलो मुंह, वेरी गुड, ऐसे ही खाती है रिद्धि मैंगो। सिद्धू भी खाती है, लेकिन अभी सिद्धू गुल्ला खा लिए ना बेटा, गुल्ला खा लिए ना तुम अभी? नहीं खा रही बदमाश लोग, खीर सोचे खाएगी रिद्धि, कटोरी में दिए एकदम मुंह ही नहीं लगाई, चखी भी नहीं, और यही आम तब दिए कि एक ठो आमे खिला दीजिए इसको, पूड़ी उड़ी खाई है सुबह में, उसके बाद घूमेगी फिरेगी थोड़ा, तैयार कर देंगे तो नीचे भेजेंगे इन लोगों को। खाना तो आज नहीं ही बनाए, माँ को भी दूध चूड़ा आम दे दिए, दूध नहीं ली, खाली आम चूड़ा वही खिला दिए, कुछ नहीं खाई है, बस चाय दिए, चाय बना के दे दिए इन लोगों को। क्यों मार रही है उसको? नहीं मारो, ये दे दो अब, इससे कोई नहीं, अब तुम लोग नीचे जाएगी, नीचे जाएगी घूमने, पापा ले जाएंगे नीचे। क्या है बहुत आजकल बदमाश हो गई है, देखिए बच्चे क्लास में लड़ाई, चल रुको हम दिलाते हैं, रुको दिलाते हैं, आ रहे पापा, ये क्या देख रहे हैं ना, इसी पंचायती के चक्कर में मेरा ना तो ब्लॉग बनता है ना कुछ होता है, दिन भर ये लोग इस तरह ही करती है, एक साथ हम छोड़ ही नहीं सकते इन लोगों को 10 मिनट गई पापा के पास, हम भी कर रहे हैं आप लोगों को भेजें नीचे, तैयार हो गई है दोनों, तो कल मिलाते हैं, बाय बाय।